हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इसके लिए जे.जे. थॉमसन ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके लिए उन्होंने ग्लास की एक ट्यूब ली, उसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए और एक गैस को फिल किया। गैस को फिल करने के बाद हाई वोल्टेज करंट 10 kV अप्लाई किया, जिससे कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज एनोड की तरफ जाने लगी। इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखने पर यह शैडो प्रोड्यूस कर रही थी और एक लाइट व्हील को रखने पर यह उसको रोटेट करने लगी, जिसके बेस पर उन्होंने कंक्लूड किया कि ये रेज जो होती हैं पार्टिकल से बनी हुई होती हैं। जब इस ट्यूब को उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो ये रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिसके बेस पर इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये रेज नेगेटिव पार्टिकल से बनी हुई होती हैं, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।